उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले की प्रसिद्ध झीलें। यूं तो नैनीताल जिले में अनेक झीलें हैं, पर कुछ प्रसिद्ध झीलों की बात करते हैं। सर्वप्रथम नैनीताल झील, स्कंद पुराण के अनुसार इसे त्रिऋषि सरोवर कहते हैं। इस झील के चारों ओर 7 पर्वत हैं, जिनमें सबसे ऊंची चोटी नैना पीक है। झील 2 भागों में बटी हुई है, उत्तरी भाग मल्लीताल और दक्षिणी भाग तल्लीताल। इसके निकट नैना देवी शक्तिपीठ है। माना जाता है कि भगवान शिव की पत्नी सती के नयन यहाँ पर गिरे थे, इसलिए इसे नैना देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। जब नैनीताल झील से हिमालय दर्शन के लिए जाते हैं, तब रास्ते से यह झील आम के आकार की दिखाई देती है। इस झील के आसपास चिड़ियाघर और ट्रॉली भी लगी हुई है। दूसरी झील है भीमताल। यह झील नैनीताल की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 1674 मीटर और चौड़ाई 447 मीटर है। यह त्रिभुज के आकार की है। इसके 3 कोने तीनों ओर से पर्वतों से घिरे हुए हैं। यह झील कमल और कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इस झील के बीच में एक टापू है, जिस पर एक रेस्टोरेंट है। यह झील नैनीताल जिले में सिंचाई का भी काम करती है। अगली झील है नौकुचिया ताल। यह झील कुमाऊं की सबसे गहरी झील है। इस झील के 9 कोने हैं, इसीलिए इसे नौकुचिया ताल कहा जाता है। पक्षियों के निवास के लिए यह सबसे उत्तम झील है। इस झील के 9 कोने कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। अगली झील है सात ताल। सात ताल सबसे रमणीय झीलों में से एक है। यहाँ पर पहले 7 झीलें थी, जिनमें से वर्तमान में कई झीलें सूख गई हैं। ये सभी झीलें आंतरिक जलधाराओं में जुड़ी हुई थी, अर्थात इन झीलों का पानी एक ही जलधारा से आता था और एक के बाद दूसरे ताल में चला जाता था। इनके अतिरिक्त खुरपा ताल, सूखा ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल और हरिस ताल भी हैं। नैनीताल जनपद की प्राकृतिक सौंदर्य की ये झीलें आप लोगों के लिए आनंद का विषय और पर्यटन का काम करेंगी। आशा करता हूँ कि आप नैनीताल जनपद में अवश्य जाएं और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अवश्य देखें। यहाँ जाने के लिए आपको रेल से हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन निकट पड़ते हैं, और अगर आप हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो पंतनगर हवाई अड्डा आपके लिए सबसे उत्तम है।